दे दिया है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उपस्थित माननीय अतिथिगण, सम्मानित अध्यापक वृंद और मेरे प्यारे सहपाठियों, आज के इस विशेष पर्व पर मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाई और एक लोकतंत्र तथा गणतंत्र राष्ट्र बन गया। इस अति विशेष दिवस पर हम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए अथक संघर्ष किया। उनका साहस और दृढ़ संकल्प हमें हमारे देश के बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। इस विशेष दिवस के अवसर पर आइए हम एक नजर पिछले 77 वर्षों में हमारे राष्ट्र द्वारा की गई प्रगति पर भी डालें। इसमें कोई शक नहीं है कि बीते 77 वर्षों में हमने कई मील के पत्थर पार किए हैं, कई चुनौतियों को पार किया है, लेकिन हमें अभी भी सभी के लिए समानता, न्याय और समृद्धि सुनिश्चित करने के मामले में एक लंबा रास्ता तय करना है। ऐसे में हमें स्वतंत्रता दिवस भारत का एक मजबूत और समावेशी देश के तौर पर निर्माण करने की प्रतिबद्धता को एक बार फिर जागृत करने की जरूरत है। इस दिन हम राष्ट्र के नाम एक संकल्प ले कि हमारे देश के सामने आने वाली हर एक चुनौती का सामना करने के हम मिलकर काम करेंगे और न सिर्फ खुद के लिए बल्कि कुटुंबों का हम पर अमल करते हुए सभी के लिए एक बेहतर जगह, बेहतर देश बनाएंगे। यह दिन इस बात की भी मिसाल है कि अगर अपने लक्ष्य को सच्चे दिल से पाओ तो उसे पाना असंभव नहीं। यह दिन इस बात के लिए भी खास है कि हमारी वर्तमान पीढ़ी अपने पूर्वजों और शहीदों द्वारा आजादी के संघर्ष से परिचित होती है। उससे हमें इस बात का एहसास होता है कि आजादी किस्मत से नहीं मिलती, जिसे पाने के लिए अगर हमारा सब कुछ भी दांव पे लगाना पड़े तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इस दिन नैराश्य के रंग को देखते हुए और आशीर्वाद मांगते हुए जब हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानी और शहीद याद आते हैं तो हमारे भारत के अंदर अद्वितीय रूप से देशभक्ति का संचार होता है। स्वतंत्रता दिवस का मतलब न